नतीजों का सिलसिला लगातार चल रहा है। दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के कल नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। शरद, क्या एक्सपेक्टेशन है मारुति के नंबर से कल? मारुति की चौथे तिमाही के नतीजे जो फोकस में हैं और अनुमान से जो रेवेन्यू में लगभग 11% का उछाल का एक्सपेक्टेशन से, एबिटडा में भी यही आंकड़े रहेंगे। हालांकि मार्जिन जो है सपाट रहने वाले और लगभग 8.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर किया जाए तो पैट में, लेकिन जो है शानदार उछाल देखने का उम्मीद है लगभग 28% का। अब याद रखिए वॉल्यूम्स की ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग सपाट होने वाली है, 1% से नीचे है। हालांकि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 3.5% का उछाल का एक्सपेक्टेशन, और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो सेमीकंडक्टर इश्यूज़ है वो अब कम होने लगे हैं, तो उसके कारण जो है वॉल्यूम्स में अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। ये वॉल्यूम्स के बाद लगभग 12.5% की जो इंक्रीज़ है प्राइस हाइक्स में, उसमें आपको सपोर्ट करेगा उनके ASP प्राइसेस को। हालांकि याद रखिए एक टाइप से मिक्स प्रोडक्ट मिक्स मैनेजमेंट किया गया कंपनी है वजह से, उसके कारण आप देख सकते हैं कि लोअर डिस्काउंट देखने मिले हैं आपके रिटेल सेल्स पे, और कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव के कारण जो है मार्जिन्स को अच्छा से मैनेज किया गया है और एबिटा इंप्रूवमेंट देखा गया है, स्पेशली जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज मॉडल के लिए। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आगे देखने के लिए होंगे वो होंगे डिमांड आउटलुक क्या लगने वाली है स्पेशली एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए, और इसके अलावा मार्जिन्स का क्या आउटलुक रहेगा और नए क्या क्या लॉन्चेस प्लान होंगे FY23 के लिए, इस पे फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, मार्जिन आउटलुक पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ मैनेजमेंट कमेंट्री और इसके अलावा कौन से नए लॉन्चेस अभी लिस्ट में हैं मारुति पर फोकस कल रहेगा, कल जब नतीजे उनके आएंगे। बात अब उन शेयरों की करते हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग्स आई हैं, उसके बाद कुछ मूव्स देखने को मिल रहे हैं। मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ रही है मेरे साथ। अशेषा, कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में? हाय, गुड आफ्टरनून। सो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी आज सुबह रिफाइनिंग कंपनीज पर, आज रिफाइनिंग कंपनी सारे बस कर रहे हैं और उसी के चलते हम ये रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। HPCL को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, अंडरवेट का रेटिंग दिया है वर्सेस जो पहले उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग दिया था। BPCL पर अब उन्होंने न्यूट्रल का रेटिंग दिया है और ओवरवेट का रेटिंग दिया है IOC पर। याद रखिए IOC भी आज ट्रेड कर रहा बस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया की ऑयल मार्केटिंग सेक्टर पर अभी वो कॉशियस रहेंगे। BPCL पर जो प्रीमियमाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के कारण जो प्रीमियम है वो निकाल दे तो BPCL अभी अट्रैक्टिव नहीं है और उसी के चलते डाउनग्रेड कर दिया है। HUL के नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, उसी के चलते दो रिपोर्ट आई है। HUL में भी हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्रेडिट स्वीस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 2,550 रुपीस पर शेयर का। क्रेडिट स्वीस का मानना है कि होम केयर सेगमेंट में हमने जो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखी इस क्वार्टर में उसी के चलते नतीजे अच्छे थे। न्यूट्रिशन सेगमेंट में वीकनेस देखी थी इस क्वार्टर में और उन्होंने FY23-24 के एस्टिमेट्स कट कर दिए हैं 9% से। JP Morgan की भी एक रिपोर्ट आई HUL पर, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि क्वार्टर फोर में हम थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन कंसर्न्स के कारण, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अच्छे नतीजे आए हैं इस क्वार्टर में और हम स्टॉक मूवमेंट में भी आज ये देख सकते हैं। मार्जिन फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 के बाद आगे चलते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं। इस क्वार्टर में हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा और कंपनी ने मार्केट शेयर एक्सपेंशन भी विटनेस किया है इस क्वार्टर में। FY23 और 24 एक्सपेक्टेड EPS ब्रॉडली उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रहेंगे। उन्होंने कोई बदलाव नहीं लाए हैं इस अर्निंग्स के बाद उनके एक्सपेक्टेशन में आगे चलते हुए, और डिमांड इलास्टिसिटी और मार्जिन ट्रैजेक्टरी पर आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। सो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। HUL पर स्टॉक अभी 3.5-4% के आसपास गेन दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया उस पूरे अपडेट के लिए। HUL आज तो स्टार परफॉर्मर है भी और JP Morgan की रिपोर्ट भी आपके सामने, और आपको याद